नवंबर का महीना आ गया है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस भी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है, और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है आगे की। सबसे पहले तो अभिजीत जी, आपका स्वागत है द अर्थ न्यूज में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगी और सीधी बात जानना चाहूंगी कि जहां पर हम देख पा रहे हैं सरकार बनाने का प्रोसेस भी लगभग कंप्लीट हो चुका है और जल्दी ही सत्र भी शुरू हो जाएगा, क्या रीजन है कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा पीछे चल रही है? क्योंकि एक तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन चुना जाना चाहिए था, पर अभी तक उसको लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। क्या रीजन क्या है, किस वजह से भारतीय जनता पार्टी इतना पीछे चल रही है? देखिए, इसके अंदर एक चीज यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। और जो आपने सवाल पूछा उसके संदर्भ में अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो हम लोग कभी भी किसी चीज में हेस्ट में नहीं रहते कि हाँ जी आज हुआ तो कभी अभी के अभी सब कुछ कर लें, या आप समझ सकते हो कि सत्ता का उस तरह का लोभ नहीं है हमारे पास। इसीलिए तो हम लोग हमेशा अपनी मूल जो विचारधारा उस पर कायम रहते हैं। और ये सभी जो डिसीजन होते हैं, चाहे वो LOP का डिसीजन है या दूसरा डिसीजन है, ये बड़ी गंभीर विषय है जिसके अंदर बड़ा पूरी सोच के साथ और फिर जो डिजर्व करता है उसे मौका दिया जाए, ये सब कुछ सेटलमेंट होता है। और एक पार्टी ऐसी है कि जो एक कमेटी से और सब कुछ सलाह मशवरा करके आगे चलते हैं। यहाँ पर कम से कम इंडिया अलायंस की तरह, कांग्रेस की तरह या NC की तरह किसी एक परिवार का राज नहीं है, यहाँ पर तो सभी के सभी का ही बराबर का हक है। इसी कारण बड़ा सोच समझ के निर्णय लिया जाता है। जो भी निर्णय होगा वो जम्मू कश्मीर के फेवर में होगा और जम्मू कश्मीर के एस्पिरेशन को देखकर किया जाएगा और बहुत जल्दी आपके सामने। तो देखिए, भले ही आप मौजूदा सरकार की बात करें, पर एक रीजन ये भी है कि काफी सालों से लोगों के इश्यूज पाइल अप हुए पड़े हुए थे और अभी फिलहाल एक इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का, जो सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि JKPSC का रिजल्ट आज आउट हुआ है। दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि इतने सारे इश्यूज पाइल अप होना, क्या आपको नहीं लगता कि ये गंभीरता का विषय है और उसको देखते हुए जल्दी काम किया जाना चाहिए था ताकि जल्दी LOP चूज किया जाए और जल्दी लोगों के इश्यूज आगे रखे जा सके? देखिए, वो तो जब फिक्स हो जाएगा इनका तो उसी समय, तो जो टाइम सेटल्ड है उससे पहले पहले LOP भी आपके पास आ जाएगा, इसमें कोई डिले वाली बात तो नहीं है। जहां तक आपके अगर आप जनता के इश्यूज की अगर आप बात करते हैं, तो इश्यूज तो बहुत ज्यादा थे और 50-60 साल का ही सारा पायलॉन हुआ, वो एक बहुत पुराना अरसा है जिसे लेकर सब कुछ, जो भी नाइंसाफियां होती रही हैं, जो भी यहाँ पर सिस्टम रहा उसके चलते यहाँ पर सारा सिस्टम। लेकिन पिछले 5-6 सालों से जिस तरह से जम्मू कश्मीर काफी हद तक जो पटरी पर आ चुका है, जो सबसे बड़ी बात है, बम गोली बारूद का खौफ वो बहुत हद तक खत्म हो गया, 70% से ज्यादा डिक्लाइन रहा टेररिज्म रिलेटिंग इंसिडेंट्स में, पत्थर युग खत्म हो गया, क्या पत्थरबाजी नहीं होती है। इसी तरह से G20 की अगर आप बात कर लें, 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट तो काफी हद तक जो पिछले 5-6 सालों में हुआ है वो पिछले 50-60 सालों में नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि जहां तक हमारी जो भूमिका थी, केंद्र की भूमिका थी, LG एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका थी, वो उन्होंने बखूबी निभाई है। और जो लोगों ने 50-60 साल में नहीं देखा वो इतने 5-6 सालों में देखा है, भले आप कौमी शाहरा के ऊपर टनल्स की बात करें, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की बात करें, एम्स की बात करें, IIT IIM की बात करें, और सबसे बड़ी बात है जो पुराना यहाँ पर सिस्टम रहा 5-6 सालों से 2019 के बाद, वो दोनों आंखों से बराबर देखा गया। पुरानी सरकारों की तरह एक आंख से देखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। मतलब कोशिश की जा रही है कि सबको बराबर तौर पर देखा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के इश्यूज की। लगातार काफी साल हो गए हैं PHE के डेली वेजर्स ने ये कहा कि हमें SRO 64 लागू करके दिया जाए, रेगुलराइज किया जाए, पर अभी तक उस पर कुछ हो नहीं पाया क्योंकि श्यामलाल जी खुद इस कमेटी के मेंबर रहे थे जो गठित की गई थी। उसके बाद उन्होंने भी कहा था कि अपनी तरफ से बहुत कोशिश की गई पर कोई प्रॉपर रिजल्ट अभी तक उसका देखने को मिल नहीं पा रहा है। क्या आपको लगता है कि सेंटर की तरफ से ही इस इशू को थोड़ा कहीं ना कहीं ब्लर तरीके से देखा जा रहा है, या क्या इशू आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो जो वादे लोगों से किए थे, अगर आपको डेली वेजेस की भी बात होगी तो हमने यही कहा था, और मैं खुद ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसी में हम और हमारे काफी सारे सीनियर नेताओं ने भी सेम बात बोली थी कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर ही जो है ये सब कुछ शॉर्ट आउट किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली सरकार हमारी नहीं बन पाई। अब जिनकी बनी है गेंद उनके पाले में है, मुझे लगता है कि उनको कम से कम लोगों की फेवर में ये सारे के सारे डिसीजन लेने चाहिए। बात करेंगे सरकार बनने की, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी और
नारा भी दिया गया था कि इस बार कश्मीर में कमल खिलेगा, कश्मीर में कमल नहीं खिल पाया, उसका क्या रीजन है? और दूसरी बात, जम्मू में भी कहीं ना कहीं कुछ रीजंस थे, कुछ जगह थी, माफ कीजिएगा, रीजंस नहीं, कुछ जगह हैं जहां पर देखने को मिला कि जिस हिसाब से वोट्स मिल सकते थे उस हिसाब से ना तो वोटिंग टर्नओवर इतना देखने को मिला और ना ही उतने ज्यादा वोट्स भारतीय जनता पार्टी जम्मू संभाग के कुछ इलाकों में बटोर पाई। क्या रीजन लगता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात अगर आप करते हैं चुनावों की बात करते हैं, रिजल्ट्स की बात करते हैं, मैं आज भी इस चीज को बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपके चैनल पे कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी है। 1.5 लाख के करीब वोट है जो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा लिए हैं। तो अगर आप मैंडेट की बात करें, जो लोगों की मर्जी, लोगों की ख्वाहिश थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की थी, इसीलिए हमारा 1.5 लाख के करीब वोट लेना नेशनल कॉन्फ्रेंस ही अपने आप में बहुत बड़ी। लेकिन अब आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि आपकी तो कुल 29 आई, उनकी 40 भी पार कर गई, तो ये किस तरह से हुआ? तो इसमें बड़ी सिंपल सी बात ये आती है कि ये नाइंसाफी जम्मू कश्मीर के और खासकर जम्मू के लोगों के साथ पिछले 50-60 साल से है। 51-52 की पहली असेंबली आप देख लीजिए, उसके अंदर जो जम्मू की पॉपुलेशन थी वो 1.5 लाख से ज्यादा थी कश्मीर से, लेकिन 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटें, क्योंकि नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, यहाँ शेख साहब ने जैसे कहा 1.5 लाख से 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटें जो है वो कश्मीर को दे दी गई, वो नाइंसाफी चलती गई वहां से, और तब से वो चीजें, जैसे आप पायलॉन वर्ड यूज कर रहे थे, वो पायलॉन होता गया। और यही नहीं, उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट हुई थी कश्मीर में 40-40 हजार की रखी गई और यहाँ पर 43-43 हजार की रखी गई। आज भी आप देख लीजिए हमारी 5 से 6 ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी है 1.5 लाख 1.5 लाख के बीच की है, और कश्मीर में कोई इक्की दुखी ऐसी होगी। फिर 96 में नियर अबाउट 96 या 97 में फिर में जब मौका मिला एक पर डिलिमिटेशन सब चीजों का, तो गुरेज 8,000 पे कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है कश्मीर में, बनी 24,000 पे बनती है, 24,000 वोटों पे कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। यानी कि आप सोच लीजिए, अगर बनी के हिसाब से और गुरेज के हिसाब से चलना चाहिए तो बनी की जगह पे 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी बननी चाहिए थी उस समय, लेकिन ये सब कुछ हमारे साथ होता रहा। अब वो सिस्टम ऐसा रहा, डिलिमिटेशन कमीशन ने इस बार कुछ हद तक कोशिश की, लेकिन अभी भी अगर आप देखें, मैं बड़ी चीज ये जम्मू के लोगों को खासकर बताना चाहता हूं, कश्मीर का नाम तो कश्मीर है लेकिन पहाड़ी इलाका सारा जम्मू के अंदर है, कश्मीर तो नहीं, रिपोर्ट सारे का सारा प्लेन है, आप गुरेज वगैरह टंगदर वगैरह को छोड़ दो, बाकी तो सारा इलाका प्लेन है। तो जब भी आप ये डिलिमिटेशन के अंदर वोट्स, जब आप कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करते हैं, तो उसके अंदर 2-3 फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। एक तो ऑब्वियसली आपकी पॉपुलेशन रोल प्ले करती है, एक भौगोलिक परिस्थिति, कौन सा दुर्गम इलाका है, जो दुर्गम इलाका है वहां पर आप 30-40 हजार पे भी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट कर सकते हो, ज्योग्राफी भी एक बड़ा फैक्टर है। हाँ, ऐसी अगर इन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पूरी तरह से, अगर पारदर्शिता से या पूरी तरह से, अगर जिम्मेवारी से इनको आज भी डिलिमिटेशन की जाती है, तो जम्मू कम से कम भी 1 दर्जन ज्यादा सीटें लेगा कश्मीर। कहा जा रहा है कि पहाड़ी तबके के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किए, पर पहाड़ी तबका वही प्यार वापस नहीं दे पाया भारतीय जनता पार्टी को, क्या लगता है आपको? देखें, ये नहीं, हम कम से कम वोटों को देखकर भारतीय जनता पार्टी के प्यार की बात, वोट में वही कह रहा हूँ, वोटों को देखकर राजनीति नहीं की जाती, राजनीति की जाती है उनकी बड़ी पुरानी समस्या, बड़ा पुराना उनका ये मांग थी, उसको देखकर किया गया। वोट डालना ना डालना, उन अगर उस पैरामीटर से आप देखोगे तो आप पिछले जो चुनाव थे लोकसभा के उनको उठाकर देख लीजिए, कई ऐसे ऐसे जगह पर थे जहां पर 150-200 मकान दिए गए, वोट एक भी नहीं आया भारतीय जनता पार्टी को, कहीं ऐसी जगह थी। तो कम से कम हम इस तरह से नहीं देखते, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है इसमें हमारी हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात रही है, और जब हम सबकी बात करते हैं तो इसमें हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं। हमारी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो हिंदू मुसलमान दोनों को एक ही नजर से देखती है। हमारे लिए आप देखिए, 2,000 रुपए अगर केंद्र से आता है वो सायरा बानो के खाते में भी जाता है, गीता देवी के खाते में जाता है, कम से कम इंडिया अलायंस की तरह हम एक आंख से नहीं देखते हैं। ये तो उनको हमारे से शिक्षा सीख भी लेनी चाहिए और इसी तरह से काम करना चाहिए सबको। मेरा ये मानना है कि जिस तरह स्वयं प्रत्यक्ष रूप में एक देवता हमारे सामने सूर्य देवता है, तो सूर्य देवता की जब किरण पड़ेगी तो वो बराबर की सबके ऊपर पड़ती है। तो एक जो भी शासक है, जिसका भी शासन है, जो भी रूलिंग पार्टी, उसको हमेशा इस तरह से सोचकर अपना कार्यकाल निभाना चाहिए। हम इसी को लेकर आगे चल रहे हैं, तभी तो हम 2047 में विकसित भारत का जो है एक संकल्प लेकर बैठे हुए हैं, इसी को चलते हो, हम तो ऐसे चलते रहेंगे। वोट जिसने डालना है नहीं डालना है वो उनकी अपनी सूझबूझ से देखकर करें। चलिए, विकास की बात करते हैं। इस दिवाली की अगर मैं बात करूं तो कहा जा रहा है कि ये वाली दिवाली ज्यादा खास है, क्योंकि रामलला के आने के बाद ये पहली दीपावली है अयोध्या में। दूसरी तरफ ये भी कहा जाए, जम्मू कश्मीर के लिए इसलिए भी ये दिवाली खास है क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद ये पहली दीपावली है। क्या सोचते हैं?
देखिए ये तो है, राम लल्ला को पूरे 500 साल के बाद अगर आप देखें तो अपना घर जो है, अपना महल जो है वो वापस मिला। यहाँ पर तो आप आज अगर अपने किसी बच्चे की शादी कराते हो तो कहीं ना कहीं जब शादी कराते हो तो उसकी पत्नी उसको अगले साल पूछती है कि मेरा घर कहाँ पर है। अब दुर्भाग्यपूर्ण आप देखें कि 5 दशकों से ज्यादा, 500 साल, इतने साल अगर जब राम लल्ला जो है एक टेंट में रहे होंगे तो क्या सीता माता ने उनसे पूछा नहीं होगा मेरा घर कहाँ पर है। तो ये सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को प्राप्त हुआ कि हम ये कार्य करने में जो है सफल रहे। हमें बड़ी खुशी है उस चीज की। बाकी इस बारी जब दीप प्रज्वलित होंगे आपके सामने अयोध्या में, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा भव्य दृश्य रहेगा और ऊपर से स्वयं देवी देवता भी इन चीजों को देख रहे होंगे। तो हमने जो किया है उसमें बड़े सेटिस्फाइड हैं। हमें मौका मिला और हम उस पीढ़ी में या हम उस समय पर हम आज सांस ले रहे हैं, हम जीवित हैं कि हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से ये चीजें होते हैं जो कई सारे लोग नहीं देख पाए। वहां पर कई ऐसे लोग थे जिनके बेचारों ने हमेशा ये सोचा कि कभी तो राम मंदिर बनेगा। ये बनने में हम सफल हुए और हमें ये मौका दिया गया, उस प्रभु ने इस काबिल समझा हमारे को कि हमें ये मौका मिला। बाकी पूरा इंसाफ किया गया और इसके बाद ही सब कुछ हुआ। तो आज रामलला भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। ज्यादा ज्यादा आखिरी सवाल रहेगा मेरा, दीपावली है, दीपावली के अवसर पर आपको क्या लगता है एज एन इंडिविजुअल हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आसपास के हमारे जो लोग हैं और कुछ जरूरतमंद लोग हैं उनकी हम एक पर्सनल तौर पर हेल्प कर सकें? देखिए मुझे ये लगता है कि अगर आपको हेल्प, तो ये है कि इंसान को कम से कम जब कभी भी अपने कहीं पर भी कोई लगे जहां आप मदद कर सकते हो अपने समर्थ के अनुसार, और मदद इस तरफ से करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर दाहिने हाथ से मदद करो तो बाहिने हाथ को नहीं पता होना चाहिए। आज चक्कर ये है कि आप छोटा सा कंबल भी किसी को देते हो तो गिफ्ट उसका आप पूरे का पूरा फोटो सोशल मीडिया पे चढ़ाते हो। और एक सबसे बड़ी लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जो कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं एक बात याद रखिएगा, एक अलग क्लास होती है। एक तो गरीब हो गए जो सामने दिख रहे हैं, ये गरीब है। एक बेचारे सफेद पोश गरीब होते हैं जो बेचारे बता नहीं सकते, ऐसे लोगों को जरूर आइडेंटिफाई, क्योंकि वो तो बेचारे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे ना किसी से मदद मांगेंगे। अगर आपके अराउंड कोई भी ऐसा सफेद पोश गरीब है उसकी जरूर मदद किए, बिना उसकी ईगो को हट किए, बिना उसको पता लगे कि मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, जरूर कीजिए, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि हमें लोगों की मदद करने के लिए कुछ ना कुछ मेक इन इंडिया जैसी चीजों को भी सपोर्ट करना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो अच्छी बात है। ये तो जैसे मैं कहता हूँ वोकल फॉर लोकल की बात है, जो आपके लोकल अगर कोई खिलौने बनाता है, कोई मिट्टी के दिए बनाता है, इन सब चीजों को बनाता है, तो हमेशा कोशिश करो। एक संदेश मैं और जम्मू के लोगों को, खासकर अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहता हूं, ये जरा ऑनलाइन से बचे। ये जो ऑनलाइन का फैशन आप लोगों ने ट्रेंड पकड़ लिया ना, जो चीज नहीं है मैंने ऑनलाइन मंगवानी है, इससे बड़ा एक नुकसान होता है। एक तो सबसे पहले वो जो चीज आपको मिलेगी गारंटेड है कि वो पक्का कोई ना कोई चीनी माल होगा, कहीं ना कोई डुप्लीकेट जो 4 दिनों बाद खराब हो जाएगा। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो बेचारे लोकल दुकानदार है जो कई सालों से आपके साथ चल रहे हैं, जिनकी दुकानें चल रही हैं, उनको सबसे बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। और वो जो समाज के अंदर एक दूसरे के साथ जो डिपेंडेंसी, एक दूसरे के साथ जो है, वोकल फॉर लोकल का मतलब है अपनी जो लोकल दुकान है, पुराना किराने वाला, पुराना सूट वाला, पुराना कोई ऐसा है जिससे आप जाकर जब आप उससे कोई चीज खरीदते हैं, एक तो आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है सबसे बड़ी बात, दूसरी बंदे की गारंटी होती है खराब होगी आप मेरे पास आ जाए। जब आप वही आजकल जो खासकर नई जनरेशन को 2 मिनट में ऑनलाइन की आदत पड़ी है कि ये मंगवा ले वो मंगवा ले, इससे बड़ा कहीं ना कहीं आ जाके समाज की हानि हो रही है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, भले वो कहीं पर भी है, कठुआ में है, उधमपुर में है, जम्मू में है, कहीं पर भी है, जो आपका लोकल दुकानदार है हमेशा चीज उससे खरीदे, ऑनलाइन से बचे। ये ऑनलाइन एक ऐसा अभिशाप है जिसके कारण हमारा आपस का भाईचारा एक दिन खत्म हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ अभिजीत जसरोटिया, डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, जिन्होंने कहा है कि यू हैव टू गो फॉर वोकल फॉर लोकल, क्योंकि उसकी वजह से एक आप सोशल सर्विस कहीं ना कहीं अपने लेवल पर कर पाते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से प्लान कर रही है कि जल्द ही उनकी तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन और बाकी लोगों को जल्द से जल्द सेलेक्ट किया जाए। अब ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा कि कितनी जल्दी लीडर ऑफ ऑपोजिशन यहां से चूज किया जाता है, मीटिंग कब होगी ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। पर तब तक के लिए इतना ही, मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए द अर्थ न्यूज। हैप्पी दिवाली।